हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं कैलीफ्लावर और टमाटर की भुजी। तो मैं यहाँ पे दो मिलाकर बना रही हूँ और एकदम हम इसको बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं। इसको हम करेंगे फ्राई। तो आ चलिए, तो मैंने यहाँ पे रख लिया है, मैंने यहाँ पे कटोरे में गर्म पानी करके रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये कैलीफ्लावर, इसको हम गर्म पानी में बस डालकर निकाल देंगे स्ट्रेनर में, क्योंकि जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीड़े होते हैं, जाले होते हैं, ऐसे तो हमने पूरा साफ कर लिए होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। तो इसलिए इस तरह से गर्म पानी में डालने से जो पेस्टिसाइड्स की स्मेल होती है और जो जाले वगैरह अगर कुछ भी छूट गए हैं कहीं से तो वो निकल जाते हैं। तो इसको मैं इस तरह से गर्म पानी में डुबाकर स्ट्रेनर में निकाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे रख लिया है इस तरह की एक कढ़ाई, गैस को मैं ऑन कर दी हूं। अब हम इसमें डालेंगे तेल, तेल हम आधी कटोरी भर कर डाल रहे हैं। तेल को हम गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज। प्याज को हम शैलो फ्राई करेंगे और हम इसमें डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्च। हम सिर्फ इसमें हरी मिर्च के स्पाइसेस रखेंगे, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च ही डाल रही हूँ, तो हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि ये भुजी है, भुजिया भी बोल सकते हैं आप इसको, कैलीफ्लावर टमाटर का भुजिया। तो इस तरह से आप शैलो फ्राई कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज कमेंट भी करें। तो इस तरह से हम प्याज और हरी मिर्च को शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कैलीफ्लावर, मैंने स्ट्रेनर में पहले ही डाल के रख लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर का नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डालें। और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और इसको ढक देंगे स्लो पे। स्लो फ्लेम पे हम कैलीफ्लावर को यानी कि फूल गोभी को थोड़ा सा गलने देंगे। इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है। अब इसको हम 50% गला लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये कैलीफ्लावर टमाटर की भुजिया। तो 5 मिनट इसको इस तरह से ढक देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, हमारी गोभी 50% गल चुकी है। अब इसको हम टमाटर डालेंगे और 5 मिनट और टमाटर के साथ गलाएंगे। तो इस तरह से मैं मिला दूंगी। और इसको 2 मिनट और ढक के पकाऊंगी जब तक टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। ओपन करके देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हम इस तरह से मिलाकर देखेंगे। तो गोभी भी हमारी अप्रोक्सीमेट गल गई है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर। तो इसमें जीरा और गरम मसाला दोनों एडेड है। अगर आपके पास अलग है तो आप 1/2 चम्मच
जीरा पाउडर डाल लें छोटा चम्मच धनिया पाउडर के साथ, क्योंकि मैंने धनिया में ही दोनों चीजें मैंने मिलाकर पीसी हुई है, इसलिए मैं अलग अलग नहीं यूज करती हूँ। ये मसाला आप किसी भी सब्जी में, करी में या नॉन वेज में, वेज में, किसी में भी डाल के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम इसको 2 मिनट बस इस तरह से मिलाएंगे ताकि जो धनिया पाउडर है वो अच्छे से मिल जाए। अब लास्टली हम इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती, तो इस तरह से मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल दूंगी और एक बार इसको इस तरह से 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे, अब तक फ्लेम स्लो पे था, अब मैंने इसको हाई कर लिया है, अब हम इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक बस इस तरह से भूनेंगे। नमक और मिर्च आप यहाँ पे टेस्ट कर लें, क्योंकि मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है इसमें, सिर्फ हरी मिर्च का आपको स्पाइसीनेस मिलेगा क्योंकि ये गोभी का भुजिया है। अगर आप चाहें तो टमाटर स्किप कर सकते हैं और सिर्फ कैलीफ्लावर का ही इससे भुजिया बना सकते हैं, लेकिन टमाटर डालने से इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। तो गाइस हमारा जो गोभी टमाटर का भुजिया है वो रेडी हो गया है। इसको गरम गरम रोटी, पराठा, चावल, जिसके साथ चाहे आप एंजॉय करें, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, खाएं और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।